ट्रैक इन टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हैं ट्रैक इन टेक और मैं आज और एक वीडियो लेके आया हूं और हम करने वाले हैं रिव्यू पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर का जिसका नाम है पेबल जुकबॉक्स। जी हाँ, पेबल जुकबॉक्स ब्लूटूथ स्पीकर, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, इसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। इसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि 1000 रुपए के नीचे शायद ये सबसे अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है या नहीं। आप देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलने के लिए। आजकल ब्लूटूथ, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। आप किधर भी अपने फोन के साथ पेयर कर दीजिए, म्यूजिक चालू, और इसका जो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी है कुछ ब्लूटूथ स्पीकर्स के इतने अच्छे होते हैं कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप एक स्टीरियो स्पीकर पे सुन रहे हैं या पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर पे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो गई है। चलिए देखते हैं कि पेबल जुकबॉक्स, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, वो कितना अच्छा बजता है। तो ये है पेबल जुकबॉक्स एंड बॉक्स ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे ब्लूटूथ बिल्ट इन बैटरी स्पीकर फोन लाउड माइक्रो एसडी सपोर्ट। पीछे लिखा हुआ है ब्लूटूथ विद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यू कैन यूज़ योर फोन और टैबलेट। ये तो सबको मालूम है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्लेबैक फॉर 3 to 5 hours, ये कह रहा है कि 3 से 5 घंटे तक, एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद 3 से 5 घंटे तक ये चलेगा स्पीकर। बहुत लाउड है, वो तो हम टेस्ट करेंगे। एंड जो बहुत सारे स्पीकर्स में नहीं होता है, ऐसी चीज़ है बिल्ट इन माइक्रोफोन, दैट मीन्स इट सपोर्ट्स हैंड्स फ्री कॉलिंग एंड टॉकिंग फीचर्स। इसका मतलब आपने आपके फ़ोन को पेयर कर दिया तो आप आराम से बात भी कर सकेंगे और इसको स्पीकर फोन के जैसा इस्तेमाल कर सकेंगे। और आप खरीदने के बाद वारंटी आती है 6 months रिप्लेसमेंट गारंटी। द लेफ्ट हैंड साइड इसका वजन है 145 ग्राम, 50 mm ओम स्पीकर्स है, लाउड स्पीकर 3 वाट का है, वर्किंग टाइम 3 to 5 hours, वर्किंग रेंज अप टू 10 meters। चलिए अब खोलते हैं इसको। क्या गिर गया? ये सिर्फ एक क्लिप है जो आपको शायद पैंट को, अगर पैंट के हुक को लगाना होगा। और ये है वो स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर पेबल। ये है मेड इन चाइना ब्लूटूथ स्पीकर। 5 वोल्ट का इसका इनपुट होता है, स्पीकर 4 ohms 3 watt। दिखने को तो बहुत अच्छा है, आई मीन इट हैज मेश है ऊपर, और आपको लटका के अगर किधर रखना है तो आप रख सकते हैं इसके साथ में, तो ये भी बहुत अच्छा है, दिखने को तो अच्छा है। इस तरफ बटन्स हैं। ये है माइक्रो यूएसबी का आपका चार्ज करने के लिए, माइक्रो एसडी कार्ड, इसमें स्टोरेज अगर चाहिए तो भी यूज़ कर सकते हैं आप। नीचे है एंटी स्लिप ग्रिप्स, इसका मतलब आप रखेंगे इसको कोई भी सरफेस पे तो वो स्लिप नहीं होगा। ये देखिए, एक बार रखने से स्लिप नहीं होता है। ये बटन्स है, वॉल्यूम के बटन्स है, प्लस ब्लूटूथ पेयरिंग के बटन्स है, चार्जिंग के लिए, हाँ मैंने आपको पहले भी घर दिखा दिया। और ये माइक्रोफोन का छोटा सा होल है जिधर आप बात कर सकेंगे। इसके साथ केबल आती है, छोटी सी है। ये जो केबल है वो बेसिकली चार्जिंग केबल है, आप आपके कोई भी अडाप्टर को लगा दीजिए या आपके पीसी को लगा दीजिए और ये आप माइक्रो यूएसबी में डाल दीजिए एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग। किधर गया? तो चलिए देखते हैं पेयरिंग कैसे करते हैं फ़ोन के साथ। ये एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन दोनों के साथ आराम से पेयर हो जाता है। हमने कोशिश जब की थी तभी एक दो बार वो डिसकनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन थर्ड टाइम पे वो आराम से कनेक्ट हो जाता था। तो ऐसे ही होगा शायद, एक बार आपने प्रॉपरली पेयर कर दिया तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके आवाज की तरफ। आपको शायद पूरी तरह से सुनाई नहीं देगा कितना अच्छा आवाज है, लेकिन बहुत ही लाउड है फॉर अ फॉर्म फैक्टर दैट इज सो स्मॉल। इतना छोटा सा है लेकिन आवाज बड़ी जोर से करता है। एवरेज साउंड क्वालिटी है, बेस अच्छा है, ट्रेबल्स मीडियम है, आई विल से अबाउट 6 to 7 on 10 फॉर साउंड, बट लाउडनेस के लिए मैं डेफिनेटली इसको 9 out of 10 दूंगा। तो अगर आप एक रूम में हैं, आराम से अगर ब्लूटूथ लगाया हुआ है, 15x15 की रूम है आपकी, तो आराम से सबको सुनाई देगा और अच्छी तरह से सुनाई देगा। क्वालिटी ऑफ द साउंड जैसे मैंने कहा ठीक ठाक है, कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा स्पीकर है,
पोर्टेबल स्पीकर है तो उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था पेबल जूकबॉक्स पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात कहना भूल गया, इसकी क्वालिटी जो स्टर्डीनेस है बहुत अच्छा है। ये गिर भी गया तो ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है इसी को। सो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड अच्छी है इसकी, ब्लैक कलर में बहुत अच्छा दिखता है। और इसकी कॉस्ट जो है वो कुछ 850 रुपये है, तो मुझे लगता है 1000 रुपये के नीचे 850 रुपये में ये बहुत अच्छा बाय है। इट्स अ वेरी गुड बाय। ओवरऑल आई विल रेट दिस एट 8/10। अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर लेना है तो मैंने लिंक में दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्पीकर है, ज़रूर आप इसके पास देखिएगा। दूसरे भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द बेटर वंस। सो दैट्स अबाउट इट। अगले वीडियो तक के लिए सी यू।